अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर सुल्तान बार बार असरा को ये बोलता है कि तुम बार बार गलतियां करती हो और मेरे हर चीज़ तुमसे संभाला नहीं जाता। व्यूअर्स आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि इसकी घड़ी की गायब हो गई है और इस वजह से वो असरा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है और इसको कहता है कि असरा मेरा घड़ी शाम तक मुझे मिलनी चाहिए, अगर तुमने नहीं ढूंढी तो मैं तुमसे एक बात भी नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारी ये जिम्मेदारियाँ है कि मेरे चीज़ों की हिफाजत करो, लेकिन तुमसे मेरा एक भी चीज़ संभाल नहीं जाता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि असरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मैं आप गली कहाँ से ढूंढ के लाऊं। व्यूअर्स आप देखेंगे कि सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा है और असरा से बात भी नहीं करना चाहता और वो घर से जाता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि असरा अपने दोस्त को कॉल करेगी और कहेगी कि सुल्तान मुझे बार बार टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, वो मुझ पर गुस्सा और हर टाइम मुझ पर बातें शुरू करना स्टार्ट कर देता है, मैं छोटी सी भी गलती कर दूँ तो सुल्तान के आगे वो बड़े पहाड़ जैसी, बड़े ढेर से पहाड़ जैसी होती है। फिर आप देखेंगे कि असरा सुल्तान को कहेगी कि अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे छोड़ना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो, क्योंकि तुम बार बार जो सलूक मेरे साथ कर रहे हो ये नाइंसाफ़ी है। व्यूअर्स आपका क्या राय है, कि आप भी चाहते हैं कि सुल्तान असरा को छोड़े? अपना राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के किस में आप देखेंगे किंजा इस एहसास को झटक नहीं सकती कि ख़ानदानी झगड़े के पीछे कुछ और भी है जिसके बारे में उसे बताया नहीं गया है। वो अपनी माँ नुसरत से माजी के बारे में पूछने की फैसला करती है। नुसरत हचकचाते हुए बताती है कि ये झगड़ा इस